चाचा आपका नाम? इलियास भाई। इलियास भाई क्या काम करते हैं? इलियास भाई, हाँ इलियास भाई क्या काम करते हैं? वो सुना ही नहीं दिया ना मुझे, थोड़ा मजदूरी। हाँ तो क्या लग रहा है इस बार, माहौल क्या लग रहा है? भाजपा आएगी? हाँ ये तो सब चमचे बैठे हुए साले, सब चमचे हैं, कोई नहीं आएगा। किसके चमचे? ये कांग्रेस वालों के और ये एमआई वालों के ने, ऐसे सब भाजपा है, वो चमचे है। हाँ। पैसे खाने को बैठते है। भाजपा इतनी अच्छी है ने? अच्छा, क्या क्या अच्छा है भाजपा? सब काम करती है। हाँ। कई धमाल नहीं होती है, इतना अच्छा तो काम करती है। हाँ। तो भाजपा कोटी थोड़ी है। ये आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि ये तो हिंदू मुसलमान करवाती है। आम आदमी पार्टी तो क्या है? हाँ। वो कभी आई नहीं है इधर। हाँ। और कभी बैठे नहीं है, अब आएगी तो देखेंगे, बाकी आएगी तो नहीं, भाजपा ही आएगी। ये जो बच्चा था वो ये कह रहा था, ये जो एक और इनके साथ है, हाँ इधर, हाँ अभी काका देखिए आप उम्र दराज हैं, ठीक, ये नया जमाने, नए जमाने का बच्चा है। छोटे हैं हम, 60 साल के हैं, 60 साल में हमने क्या क्या देखा, हमको पता नहीं, दांत भी गिर गए, ये कांख चली गई। अच्छा 60 सालों में आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार थी तो हमने बहुत कुछ देखा है। कांग्रेस की सरकार थी जब सस्ताई भी थी, महंगाई भी अभी है, तो ऐसी आवक भी होती है ने, जो मतलब कांग्रेस के टाइम में 5 रुपये होटल में देते थे, अभी 300 रुपये देते हैं, वो नहीं देखने का। अच्छा, हाँ भाजपा भी आनी चाहिए। अच्छा। भाजपा के सिवा कोई आनी नहीं चाहिए, धमाल नहीं होगी। हाँ। अब कांग्रेस आती है तो रोज धमाल होती है, 80 में हुए, 82 में हुए, 89 में हुए, तो ये भाजपा आती है तो धमाल नहीं होती। अभी इतना। हाँ। खाड़ा है, भाजपा आएगी तो इतना इतना होगा खाड़ा। ये बच्चा कह रहा है कि इतना इतना जो है वो क्या है, यहाँ रोड बनता नहीं, इंसान मर जाता है। हाँ। तो कब्र खोदने में दिक्कत नहीं होगी, इतने इतने खाड़े हो जाएंगे तो वही डाल देंगे, समझे। हाँ? भाजपा ही आनी चाहिए। नहीं, बच्चा अगर कह रहा है कि विकास नहीं हुआ है, बच्चा तो अभी ना समझे। हाँ अभी देखो, 8 साल से नरेंद्र मोदी सत्ता पे है, बराबर है, यहाँ 10-15 साल बैठे। हाँ। तो हमारे वहाँ धमाल नहीं हुई। ये एक आप लोगों को एक बहुत अच्छा लगता है कि धमाल नहीं हुआ। हाँ। दंगा फसाद नहीं हुआ। हाँ, कोई मरे ना, कोई जेल में ना जावे, तो ये अच्छी बात है। हाँ। तो भाजपा ही आनी चाहिए। अगर मान लीजिए दूसरी सरकार आती है। हाँ। ठीक है, कांग्रेस आ गई या फिर आम आदमी पार्टी आ गई। हाँ। तो क्या होगा गुजरात का, गुजरात का क्या होगा? वो तो जो ऊपर वाले ने लिखा होगा वो तो होगा ही। क्या लगता है और स्थिति सुधरेगी कि मतलब थोड़ी और बदतर होगी, क्या होगा? वो तो फोन आ गया काका, थोड़ा हाँ एक मिनट बात कर लें, उसके बाद जो है बात करेंगे, फिर अभी थोड़ा इन पे बात कर लेते हैं। जैसा इन्होंने कहा, ये आप एक बात बताइए, आप इत्तेफाक इस बच्चे की बात से रखते हैं या फिर आप काका के बात? मैंने नहीं सुना उसके बाद, वो क्या ये कह रहे हैं कि जी बहुत भाजपा ने बहुत हमें तकलीफ में रखा है, मतलब हाँ तकलीफ में रखा है, आम आदमी पार्टी को मैं लाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, कांग्रेस ने तकलीफ में रखा है, भाजपा ने कोई तकलीफ में नहीं रखा। अच्छा। अभी जो इलेक्शन आएगा उसमें 132 प्लस आएगा भाजपा। क्या आप मुसलमानों का साथ रहने वाला है क्या भाजपा को? मोदी जी को आप मुसलमानों का साथ मिलेगा गुजरात से? मिलेगा मिलेगा। हाँ। मोदी जी का साथ नहीं मिलेगा तो अल्लाह का मिलेगा, लेकिन क्या है। हाँ। अभी एक बात है कि मैं भूखा हूँ। हाँ। मैं किसी के पास मांगूंगा तो मुझे देगा, मैंने नहीं खाया, वो आपको थोड़ी खबर है कि मैं भूखा हूँ। अब मैं किसी को बोलूंगा कि भाई मैंने खाना नहीं खाया है, खाना नहीं खाना है तो कोई खिलाएगा? अगर मैं ऐसे भूखा खड़ा रहूंगा तो कोई मुझे थोड़ी ये बोलेगा कि तू भूखा है चल खा ले, ऐसा बोलेगा? वो तो बोलना पड़ेगा कि भाई मैंने खाना नहीं खाया है, मेरे को दे तो देगा। कहना क्या चाहते हैं इस बात से मुझे वो कहना? ये चाहते हैं कि बस ये भाजपा आती है तो सारे देश में शांति है, समझे, शांति है। ये कह रहे हैं कि भाजपा आ रही है तो शांति है। अगर भाजपा नहीं आती तो? हाँ। पूछे उनसे, भाजपा नहीं आती तो बच्चा पूछे, भाजपा नहीं आती तो नहीं आती, हम क्या करें, नहीं आती तो नहीं आती है, भाजपा नहीं आती तो नहीं आती, आती आती है तो आने दो, नहीं आती है तो नहीं आएगी। ऊपर वाले ने जिसके नसीब में लिखा है गद्दी पे बैठना लिखा हो तो आएंगे। काका आप एक बात बताइए, वाले ने लिख दिया है कि 2022 में कौन आएगा, 2020 में कौन आएगा, 30 में कौन आएगा? इलियास भाई किसको चाहते हैं आने का? भाजपा को। कारण क्या है? हमारा दंगा फसाद, ठीक है दंगा फसाद नहीं हुआ, विकास भी तो जरूरी है। अभी भाजपा नहीं है, अभी भाजपा है सत्ता पे, सही है। मैं पावली का भी धंधा नहीं करता हूँ, फिर भी घर चल रहा है मेरा। कैसे चल रहा है अगर पावली का भी धंधा? डाल देता है, समझे।
ऐसी कोई बात नहीं है, भाजपा ही आएगी। हाँ और भी लोगों से बात करते हैं, आप यहाँ पर। हम भाजपा को आए, सुनो, भाजपा को हम वोट नहीं देंगे तो क्या भाजपा नहीं आएगी? ये भी बात आप एक मुझे कह रहे हैं, मैंने अभी पूछा था। देंगे ना, गैर मुस्लिम तो देंगे ना उसको, तो हम भी देंगे, मैं तो दूंगा। अच्छा कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस ने आपको ठगा है कि आप लोगों के लिए कुछ काम किया था? कांग्रेस ने तो कुछ भी नहीं किया है, अभी हमारे सारे रोड बन गए, खाली ये नहीं बना है, देखो सिर्फ ये वाला नहीं बना, बस बाकी सब रोड बन गए। अगर ये वाला रोड भी बन जाएगा तो ये बच्चा भी भाजपा को वोट करे? ये तो इसको पूछो। यही इलाके में आप देख सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है विकास ठीक है कि ये वाला मुद्दा है, और क्या क्या दिक्कत है तुम्हें भाजपा से? मैं ये कह रहा हूँ पिछले 20 सालों में आप जहाँ से आए होगे ना, आप वहाँ देख ले रहे हो, वहाँ के इलाके पूरे सेफ है, यहाँ का कुछ भी नहीं काम नहीं होता। ये चाचा डरते हैं, ये चाचा डरते हैं, डरते हैं चाचा, डरते हैं क्या भाजपा से? डरते हैं, ये क्या है, ये कहाई वाले में रहता है, वो डरता नहीं है। मैं कहाई वाले में, मैं कब्रिस्तान के पास रहता हूँ, उसके लिए डरता हूँ, समझे पड़ी? इसको समझ नहीं आता। 40 साल की उम्र है, रुको रुको तो 40 साल की उम्र है उसके, तीन बच्चे हैं। राजनीति में कसाई वाला कहाँ से आ गया? यहाँ वोट देने की बात कर रहा है तो कसाई वाला बीच में कहाँ से आ गया? आप वोट दो, तीन बच्चे, तीन बच्चे इसके, इसके तीन बच्चे, मेरी तीन बीवियाँ हैं, एक को एक है, एक को दो, एक को बच्चों से कुछ होता नहीं। तो ये बात बताइए, नहीं नहीं नहीं, ये बिना बात की बात नहीं, मजाक वाली बात नहीं, वो सीरियस बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि विकास नहीं करती मुसलमानों के इलाके में, भाजपा विकास नहीं करती, ये मेरी बात सुनो, इसका जवाब आप वही के इलाके दे। अब मैं पूछ रही हूँ ना, मुझे पूछने दीजिए ना, मैं पूछ रही हूँ, मुझे पूछने दीजिए। जिसको जहाँ भी वोट देना हो वो देगा, सही है। अब कोई बोल के नहीं जाएगा कि मैं भाजपा में डालूंगा, कि मैं कांग्रेस में डालूंगा, कि मैं केजरीवाल को दूंगा, ऐसा कोई बोलेगा नहीं। अभी सब बोलते हैं क्या कि भाजपा हट जाएगी, भाजपा हट जाएगी। अब जब रिजल्ट आएगा तो क्या होगा? अभी क्या है, पाकिस्तान कप ले जाएगी, पाकिस्तान ले जाएगी, इंडिया ले जाएगी, कैसे ऐसे ऐसे करते थे ना, है पॉल बना रखा था, इंग्लैंड ले गया, कौन ले गया? हाँ तो ये इंग्लैंड पाकिस्तान जो भी आएगा वो कितनी तारीख, मतलब आप कह रहे हैं कि 8 दिसंबर के बाद घोषणा तो यही होने वाली है कि भाजपा ही जीत रहा है, भाजपा ही जीतेगी, भाजपा ही जीतेगी। ये और भी लोगों से मैं बात करती हूँ थोड़ा। हाँ सीके राहुल जी आने वाला है इधर, सीके राहुल जी जीतेगा हमारे गोत्र, राहुल जी जो यहाँ का कैंडिडेट है भाजपा का। अच्छा एक और चीज अगर मैं काका आपसे पूछूं, तो जो ये बात बोलते हैं, अच्छा एक और लोग आ गए, नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम रमजान जुजारा, मैं व्यवसाय से वकील हूँ। यहाँ पे क्या लग रहा है, माहौल क्या है? जैसे ये बच्चा कह रहा है कि हमें आम आदमी पार्टी चाहिए, ये कह रहे हैं भाजपा 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 भाजपा। यहाँ पर जो है लघुमती समुदाय के सबसे ज्यादा वोट जो है इधर ये गोधरा में है, और ये जब से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ गुजरात में शासन चल रहा है, और जब से मोदी साहब थे तब यहाँ पर जो हज का कोटा था, तो सबसे ज्यादा फायदा हमको हुआ है कि जो कोटा बढ़ा दिया, जो यूपीए सरकार थी इससे ज्यादा एनडीए सरकार ने हमारा कोटा बढ़ाया, और हज में जाने के लिए सबसे ज़्यादा कोटा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। दूसरी बात कि जब भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी ओजस्वी जो प्रधानमंत्री है, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने जो शारा प्रवेश उत्सव किया, वो जब सिस्टम डाली है, तो सबसे ज़्यादा जो ड्रॉप आउट था वो रेट, ड्रॉप आउट रेट लघुमती समुदाय का सबसे कम हुआ है, तो हमको सबसे ज़्यादा फायदा ये है। और जब बात हुई है जब भारतीय जनता पार्टी की, तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में और केंद्र में है, तो हमके जो प्राथमिक सुविधा है उसमें हमको बहुत सारी मिल रही है, उसमें जो है सबसे ज़्यादा पानी, जो पीने का पानी। लेकिन आपने तो भाजपा का बिल्ला लगा रखा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का, मैं लघुमती मोर्चे का मैं कारोबारी सदस्य हूँ, और मैं 1994 से मैं भारतीय जनता पार्टी का वफादार सैनिक हूँ। लेकिन इस बच्चे का वही तो कहना है कि आप लोग जो आप लोगों को मिलता है भाजपा से, तो इसीलिए आप भाजपा करते हैं, बाकी भाजपा जो है वो मुस्लिम इलाकों में काम नहीं करती। मेरे पास तो बिल्ला नहीं है, मैं नहीं बोलता भाजपा का कि भाजपा ही आएगी, मेरे पास कहाँ है बिल्ला है? आपके पास डर है कह रहा है, बच्चा कह रहा है कि डर है। रात को 9 बजे काम होता है वहाँ पे, रात को 9 बजे काम होता है गोधरा में, दिन में भी नहीं होता। यहाँ पे जो इलाका पुलन बाजार में आपको दिख रहा है, यहाँ से सिंगल फरिया, यहाँ से लेकर सिंगल फरिया जाकर देखो आप,
इतने इतने अच्छा, खाए। अच्छा ये तो ये सारी बातें तो हो गई हैं काका, अब मैं अगर पूछूं आपसे, ये जो आम आदमी पार्टी है ना केजरीवाल जी, ये नए नए नेता यहाँ पे उतरे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ बड़ा भेदभाव किया जाता है और मैं मुसलमानों का नुमाइंदगी बनना चाहता हूँ, क्या कहना चाहेंगे आप केजरीवाल जी? मैं आपको बताऊँ कि हमारे इलाके के सारे मुसलमान केजरीवाल को वोट देंगे, चलो और हिंदू लोग नहीं देंगे तो वो जीत जाएगा, वो जीतेगा, संभावनाएं कम है थोड़ी। हाँ तो वही तो बात है ना। अच्छा कौन बोल रहा है कि जीतेगा, कौन बोलेगा, नाम बताओ अपना पहले। नाम मनीष है। मनीष है, क्या लगता है कि केजरीवाल यहाँ से सच में सीट निकाले? बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी मतलब जमीनी बस्तर पे बातें। निकाल जाएगा। क्या लगता है केजरीवाल की सरकार आएगी? आएगी आएगी आएगी। क्या लगता है केजरीवाल की सरकार, अगर मान लीजिए ये काका ने जैसे कहा कि अगर मुसलमान अगर सारा मुसलमान भी एक तरफा वोट करता है केजरीवाल को तो कैसे आएगा? हिंदू तो बहुत ज्यादा है भाजपा में, गुजरात एक तरफी होगा तो आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। कैसे बोल रहे हैं? बस आ जाएगा। कैसे? आपने जैसे सवाल का हुक्म होगा उसको, उसको अल्लाह का फरिश्ता उतरा होगा। हाँ क्या करते हो? मैं भी जॉब करता हूँ। ऐसी क्या जॉब करते हो? सिम कार्ड का है, जैसे जो मिले हुए मजदूरी। क्या बोलना चाहते हो? मैं यही बोलना चाहता हूँ जैसी भी पार्टी हो, हमको सिर्फ हक की आवाज़ उठाने वाला चाहिए। कौन है आपकी हक की आवाज़ उठाने वाला? जो भी पार्टी आए हो, लेकिन हक की आवाज़ जो अभी दिख रहा है वो तो गलत ही है। भाजपा आपकी हक की आवाज़ उठाती नहीं है? नहीं नहीं, अभी तक नहीं उठाया। बिल्किस बानू का केस है उसमें भी नहीं उठाया, जितने भी केस है अभी तक ये 2002 का है, किसी में भी आवाज़ किसी ने भी नहीं उठाई है। जो हक की आवाज़ उठाएगा उसको वोट देंगे हम। हाँ क्या लगता है केजरीवाल इस बार आपकी हक की आवाज़ उठा रहे हैं? नहीं अभी जो भी आयो तो मतलब कोई भी नहीं उठा रहा है। कोई भी नहीं अभी तक किसी, तो मतलब आप लोग वोट नहीं बोलो सच कहीं कजू। केजरीवाल तो बिल्किस बालू में कुछ बोला ही कहाँ है, उसने तो बोल दिया हमारा मुद्दा ही नहीं है। हाँ वो तो बोला ही नहीं है। अच्छा ओवैसी ने उठाई है बिल्किस बानू का, तो क्या ओवैसी का माहौल बनेगा क्या? ओवैसी का माहौल बन ही नहीं सकता समझे। अभी हमारे एक मौलाना बैठे हैं, अब मौलाना का काम क्या है? नमाज पढ़ाने का, बच्चों को पढ़ाने का, उसका मतलब कि कोई ऐसी वैसी बात हो उसका फतवा देने का, राजकारण में पढ़ने का नहीं है। वैसी वो थोड़ी ना, वो तो मेरे स्टेट इसमें बैठने की कोई जरूरत नहीं है। तो मौलाना कौन है? कौन है? कौन है? हमारा कोई बैठा है मालूम नहीं कौन बैठा है। उसको अभी वो कोई बैठा है, अभी रैली लेके निकला था मैंने सुना। तो हमारे में क्या है, जो हमारे उलमा लोग होते हैं उनका काम है ये राजकारण में पढ़ने का नहीं है, उनको तो समाज को सुधारने का, समझाने का कि भाई नमाज पढ़ो, ये करो। इसीलिए तो कह रहा है बच्चा कि राजकारण में इसलिए उतरे हैं क्योंकि हक की आवाज़ नहीं उठा है? बोल रहे हैं कि हक की आवाज़ कोई नहीं उठाता, भाजपा तो बिल्कुल नहीं उठाती, इसलिए उतरे। तो उठानी हो उठाएंगे, आवाज उठाने वाला तो ऊपर वाला ही है। इस बार क्या गोधरा का जो मुसलमान है काका, काका इस बार क्या गोधरा का मुसलमान वो भाजपा को नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है? बहुत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। मैं तो करूंगा, हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेगा, मैं करूँगा। लोकतंत्र है ना, ये तो लोकतंत्र है। आप नहीं करेंगे ये करेंगे, जो कर है ना, जिसको जो चाहिए वो करेगा। गुजरात में किंग मेकर साबित होगी एमआईएम। एमआईएम किंग मेकर, तो ये तो भाजपा वालों के लिए फायदा हो जाएगा भैया, फायदा होगा। गोधरे में कोई वोट दे ना दे, लेकिन गुजरात में किंग मेकर साबित होगी एमआईएम, वो बात लिख के रख दो। क्या क्या काम जो है आपको लगता है कि गुजरात में जो है ओवैसी जी की बात बोलते हैं? हक की बात बोलते हैं। क्या क्या हक की बात? बहुत सारी हक की बात बोले, बिल्किस बानू पे बोला, सब पे बोला। किंग मेकर साबित होगी भाई मेरा। भाजपा से क्या नाराजगी? नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं करनी, कोई नाराजगी नहीं, लेकिन बस आप एक ही बात बोल रहे हैं किंग मेकर बस। ठीक, एक सेकंड हाथ लगा के बात ना करो, थोड़ा दूर से बात करो। नाम बताइए। महंगाई, महंगाई बढ़ती है वैसी दिहाड़ी भी बढ़ती है। मतलब कि जब कांग्रेस के टाइम में 5 रुपये पगार मिलता था तो अभी 15 रुपये मिल रहे हैं, इसका तो कोई सवाल ही नहीं है। मतलब आमदनी भी बढ़ी है। आमदनी बढ़ती जा रही है ना, मंगवाड़ी बढ़ती जा रही है, कछु बचता नहीं है हमारे पास। अच्छा। समझे, खा पी के क्या है, हाँ अल्लाह ताला सुला देता है, खा पी के सुबह उठ के फिर खाते हैं, फिर धंधे जाते हैं तो मिलता है। अब मैं घर बैठे रहूंगा तो थोड़ी मेरे को मिलेगा। तो नाम बताइए अपना। नाम आसिफ भाई। क्या काम करते हैं आसिफ भाई? मैं छोटा वर्कर हूँ। क्या माहौल आपको गुजरात के अंदर नजर आ रहा है? बीजेपी। बीजेपी कारण क्या है? बीजेपी बस वही आने वाला है क्योंकि मोदी जी गुजरात के हैं, गुजरात में कमल ही खेलने वाला है। मोदी जी को गुजराती मुसलमानों का मतलब सपोर्ट मिलने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, मोदी तो हमारा भाई है, मिलेगा, हमारा भाई है मोदी। मतलब ये बार बार ऐसे पंची लाइन बोल दे रहे हैं ना कि मुझे माइक हटा करके सबके पास डाली नहीं है। हम मैं मुसलमान हूँ डालिए, तो उसकी भी डालिए, मेरा भाई नहीं हुआ,
का तो बहुत कुछ नहीं है। कांग्रेस कुछ भी कर ले कमल का ही फूल खिलने वाला है गुजरात में, कुछ भी कर ले, आम आदमी भी नहीं चलेगी, भाजपा ही चलेगी। यहाँ लंका फला वो जो भी झगड़े नहीं होते बस। मतलब आपको ये एक मुद्दा बहुत अच्छा लगता है कि भाजपा आती है तो झगड़े नहीं होते। झगड़े झगड़ा नहीं होगा तो सारे इंसान सब जहाँ भी देहात में जहाँ भी जाना होता है वहाँ बिंदास चले जाते हैं। एक और बात बताइए, आप जिस तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस बार माहौल चेंज होने वाला है, केजरीवाल यहाँ पे जादू करने वाले हैं, आम आदमी को कोई नहीं जानता है, बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर होगी और बीजेपी के ही निश्चित जीते हैं। बच्चों से भी थोड़ा सा बात करते हैं, नाम बताओ अपना। मेरा नाम है सफवान अठीला। क्या काम कर, मतलब अभी तो बच्चे लग रहे, कितने साल के? 18 साल का हूँ। 18 साल के हो, कौन से क्लास में पढ़ते हो? अभी मैं फार्मेसी स्टूडेंट हूँ। फार्मेसी स्टूडेंट, तो क्या देख के लगता है फर्स्ट टाइम वोटर हो क्या तुम? फर्स्ट टाइम। इस बार वोट करोगे? इस बार करूँगा वोट। किन मुद्दों को सोच के जो है वोट करने जा रहे हो? मैं ऐसे आदमी को वोट करूंगा जो हमारे हक के लिए लड़ सके, जो मुस्लिम अकलियत माइनॉरिटीज पर जो जुल्म जाती हो रही है उनके लिए वो बात कर सके, ऐसा उम्मीदवार हम लोग चुनेंगे इंशाल्लाह ताला। इस गोधरा की सीट पे से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सीट कामयाब होगी। अच्छा, तो ये जो आपने बोला है ओवैसी जी की पार्टी के लिए जो आपने इतना मतलब वो दिखाया है, तो क्या क्या जुल्म जो है वो मुसलमानों के ऊपर हो रहा है? क्या मुसलमानों को नौकरियाँ नहीं मिलती? क्या मुसलमानों का कोई काम नहीं होता? क्या मुसलमानों में हिंदू आके आक्रमण कर देते हैं? या फिर जब कोरोना काल हुआ तो अनाज नहीं मिला, कि क्या ऐसा जुल्म जो है मुसलमानों के ऊपर हो रहा है? पहली बात तो ये कि जब बिल्किस बानो का मामला हुआ तब किसी ने नहीं बोला, 11 बलात्कारियों को छोड़ा गया जो रेट ऑफ रेपिस्ट में आता है, 11 बलात्कारियों को छोड़ा गया। और जो गोधरा का एमएलए है ना वो बोला कि सब संस्कारी है, क्या किसी की बेटी की इज्जत लूटने वाला क्या संस्कारी हो सकता है? किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई, सिर्फ रोड से लेकर संसद तक मुस्लिमों के लिए सिर्फ आवाज़ उठाता है वो सिर्फ एक ही मर्द ने मुजाहिद है और उसका नाम है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अच्छा, एक आप बात बताओ, आपने ओवैसी साहब का नाम लिया है लेकिन ओवैसी साहब को तो ये कहा जाता है कि वो भाजपा के बी टीम है, ये कहते हैं कि अगर जितना ओवैसी को सपोर्ट करोगे वो उतना भाजपा को फायदा मिला हुआ है वो बोलते हैं, इस पर क्या बोलो? जो भी आदमी बोलता है कि बीजेपी की बी टीम है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई मुझे प्रूफ दो कि किस हिसाब से ओवैसी साहब बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। अगर ओवैसी साहब ने उस पर खुलासा किया उसका भी मैं प्रूफ है आपको मीडिया के जरिए मैं दिखाना चाहता हूँ। बताओ कुछ ऐसी बातें, अपने मुंह से बता दो ना, फिर समय खराब होगा। ओवैसी साहब अहमदाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक मुस्लिम भाई ने उनसे सवाल किया था कि मैं बीजेपी के, तुम बीजेपी के बी टीम हो, तो उन्हें बोला कि मैं कोई बीजेपी का काम नहीं करता, मैं सिर्फ आपका एजेंट हूँ, मुस्लिम लीडरशिप में बनाने के लिए पैदा हुआ। सियासत में मुस्लिम रहता था, बड़े गुजरात में सिर्फ 11 मंत्री मुस्लिम बने आज गुजरात के इतिहास में। 1983 से लेकर गुजरात में अभी तक एक भी मुस्लिम एमपी नहीं बना है। ऐसा सब यही काम करेंगे कि आने वाले वक्त में गुजरात के अंदर मुस्लिमों की आवाज़ उठाने वाला कोई तो हो कि जो मुस्लिमों की ये बताइए, ये जो बच्चे ने बात कहा है कि असद साहब जो हैं वो हमारी आवाज़ उठाते हैं। मेरी सुनो। हाँ, अब आपने सुना। अभी 7 नगर पालिका में 7 सीटें आई थी ओवैसी की, कितनी? 7। इसके पहले इस नगर पालिका की नहीं आई थी ना, तो हमारे वहाँ खुला मटन बिकता था, औरतें जेल में नहीं जाती थी, मटन बिकता था। जब से ओवैसी की 7 सीटें आई ना तब से औरतों को बच्चों को सबको मटन में ले जाती है, नहीं होता जब भी ले जाती है, समझे? मतलब क्या दिखावा करते हैं क्या ओवैसी साहब? दिखावा करते हैं। अब ये लोगों को अभी मटन बंद हो गया, 50-60 रुपए किलो मिलता था, अभी 240, 250, 260 में मिलता है, समझे? तो महंगाई बढ़ गई ना, तो इस वजह से महंगाई नहीं बढ़ी, महंगाई कुछ भी नहीं बढ़ी। एक जानवर ये 2000 का लेते थे तो ये 2000 में मिलता है, 2000 में मिलता है। मटन भी बंद हो गया, जब से 7 सीटें आई है ना नगर पालिका की, तब से हमको मटन खाना भी खलमा बंद कर गया, क्या करें। हाँ, मतलब मटन की महंगाई नहीं बढ़ी है, वो तो बढ़वा ही गई है। असद की जो है वो क्या है कि एक चीज नहीं मिलती तो ये महंगाई बढ़ा ही देगा ने, मतलब कि आटा वो लॉकडाउन में क्या होता था, ये बीड़ी 20 रुपए में मिलती थी, माचिस बीड़ी माचिस बराबर है, तो ये लॉकडाउन में 60 रुपए में 50 रुपए में इतने रुपए में मिलती थी, जो 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 नहीं मिलता
उस पर बढ़ जाता है, समझे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आसद साहब जो है वो आकर के मुसलमानों का आवाज़ नहीं उठाते हैं। कब आए अबे इतना, ये सब मटन वालों को, एक को तो लोकअप में बढ़ गया तो क्या हुआ। ये बोल रहे हैं कि मटन वाली प्रॉब्लम हो जाती है आसद भाई के जीतने से, तो मतलब क्या सच में मुसलमानों में, एक तो आप आसद भाई के आप इन्फ्लुएंसर हैं अगर देखा जाए, ये भाजपा को सपोर्ट करते हैं या आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हाँ तो बताइए क्या बोल रहे हैं। जो चचा ने मटन पे बात की, आसद साहब गोधरा में चुनाव नहीं लड़े थे, उससे पहले भी मटन वाले को पकड़ा जाता था। यहाँ खुल्ला बेचते थे, बड़ा धक्का ना मारे, खुल्ला बेचते थे, यहाँ खुल्ला बेचते थे, कभी पकड़ते नहीं थे पुलिस, समझाते थे कि भाई साइड में बैठो, यहाँ बैठो, साइड में बैठो, ऐसा बोलते थे कि कभी किसी को पकड़ते नहीं थे। लेकिन जब से आसद साहब आए पकड़ने लगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर जैसे मैं अगर बात कर लेती हूँ कि 5000 भी जो है, मैं बस लास्ट पर ख़त्म करती हूँ, 5000 भी जो वोट है अगर इस सीट से आसद भाई को चला जाता है, ठीक, आपके टीम, आपके जो है पार्टी को चला जाता है, क्या लगता नहीं है कि नुकसान जो होगा वो कांग्रेस का ही होने वाला है, जो क्या कहते हैं बीजेपी जो है वो लीड कर जाएगी? हमने तो कांग्रेस पार्टी को भी बोला था कि अगर गोधरा के अंदर कांग्रेस पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट को खड़े करेगी तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन कल रात हमने रात को डिसाइड किया कि MIM से हमारे जो चाचा ने बोले जो मौलाना है वो इलेक्शन लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी क्यों मुस्लिम नेतृत्व बढ़ाने नहीं चाहते? अगर उन्होंने दिया होता तो हम उन्हीं के उम्मीदवार को जिताते, कांग्रेस पार्टी को ही जिताते। बरसों से हम उनको बोलता हूँ, मैं चैलेंज से बोलता हूँ कि ये हमारे वाला कोई मुस्लिम बैठे बहुत पड़ा कह, ये दांत गिर गया क्या? ऐसी महंगाई है यहाँ पे, इतना डर ये दांत नकली नकली वाला कोई बैठेगा नहीं, एक वोट का 1,00,000 रुपये भी देगा नहीं तो मुसलमान देंगे, हिंदू कोई नहीं देगा हमारे वाले को, वो तो वोट तोड़ने के लिए बैठे, समझे, समझ गए। गोधरा की सीट से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि यहाँ पे क्या माहौल है, मैंने आपको दिखाया कि कैसे चाचा का जो बोलते बोलते दांत भी नीचे गिर गया और वो कैसे भाजपा को सपोर्ट करते हैं। और एक बच्चा भी आया जो ओवैसी साहब को सपोर्ट कर रहा है, कुछ ऐसे भी लोग आए जो यहाँ पे केजरीवाल जी को सपोर्ट करते हैं, तो ये गोधरा के मुसलमानों का मैंने आपको राय दिखाने की कोशिश की है, जो आपको शायद पसंद आएगी, तो मेरे इस वीडियो को पसंद कीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए।